गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। उसमें हमारे पास कुछ बहुपद दे रखे हैं, 4 प्रश्न इसके अंदर हैं और हर बहुपद के अंदर हमें चर का मान 0 रख के, 1 रख के और 2 रख के बहुपद का मान ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार, हमने जैसे पहले प्रश्न में किया था उसी प्रकार इसमें करना है हमें। यहाँ वाई पी वाई एक बहुपद है, वाई की 2 घटा वाई जमा 1। पहले हम पी 0 ज्ञात करेंगे, अर्थात वाई की क्या रखना है, 0, 0 की शक्ति 2 घटा 0 जमा 1। अब ये तो सारा 0 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 ही बच गया मेरे पास जोड़ का, ठीक है। अब P 1 लेके रखेंगे, 1 की शक्ति 2 घटा 1 जमा 1, 1 की शक्ति 2 1 घटा 1 जोड़ का 1, जोड़ के 2 हो गए, 1 और 1 2 और घटा का 1, तो मेरे पास मान क्या आ गया, 1 ही मान आ गया, ठीक है। अब P 2 रख के देखेंगे, 2 की शक्ति 2 घटा 2 जमा का 1, 2 की शक्ति 2 4 घटा 2 जमा 1, जोड़ के कितने हो गए, 4 और 1 5, और 5 में से 2 गए 3। तो ये तीनों मान P0 P1 P2 हमारे पहले भाग के आ गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं, जब P0 रखेंगे तो 2 जमा इसलिए 0 जमा 2 गुणा 0 की शक्ति 2 घटा 0 की शक्ति 3, जहां जहां 0 है तो सारा 0 हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया मेरे पास इसका मान। अब P की जगह 1 रख के देखेंगे, 2 जमा P की जगह 1 जमा 2 गुणा P की जगह 1 की शक्ति 2 घटा 1 की शक्ति 3, तो 2 जमा ये 1 आ गया। अब 1 की शक्ति 2 1 हो गया, 1 गुणी 2 और यहाँ घटा का 1, जोड़ वाले कितने हो गए, 5, 5 में से 1 है मेरे पास मान क्या आ गया, 4 आ गया इसका, ठीक है। अब P 2 देख लेते हैं, P की जगह क्या रखना है, 2, दो तो पहले ही है, जमा दो गुणा दो की शक्ति दो, ठीक ही होता ना, घटा दो की शक्ति 3। अब मेरे पास दो जमा दो जमा दो की शक्ति 2 4, क्या गुणी 8, घटा दो की शक्ति 3 8। अब जोड़ वाले ये सारे हैं, 8 और 2 10 2 12 और घटा का 8 है, 12 में से 8 है 4, या 8 से 8 काटते हैं, 2 और 2 4, हमारे पास इसका मान आसानी से आ गया है। अब इसका तीसरा भाग देख लेते हैं, पहले P0 x की शक्ति 3 क्या हो गया, 0, x को कितनी 0 को कितनी बार गुणा करेंगे, आंसर मिल जाएगा 0। अब P1 लेके देख लेते हैं, 1 की शक्ति 3 हमारे पास क्या होगा, 1, 1 को कितनी बार गुणा करेंगे उत्तर क्या आएगा, 1। अब P2 लेके देख लेते हैं, 2 की शक्ति 3 हमारे पास कितना होता है, 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8, बिल्कुल आसान था। अब वहां पे रख के देख लेते हैं, x की जगह क्या रखना है, 0, तो यहाँ पे 0 घटा 1 और 0 जमा 1, 0 घटा 1 क्या हो गया, घटा का 1, 0 जमा 1 क्या हो गया, जोड़ का 1, और दोनों ही गुणा घटा का 1 आ जाएगी, ठीक है। अब P की जगह 1 रख के देखें, क्या आ गया, 1 घटा 1 और 1 जमा 1, 1 घटा 1 क्या हो गया, 0, और ये हो गया 2, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, ठीक है। अब P 2 लेके देख लेते हैं, 2 रखेंगे मान 2 घटा 1 और 2 जमा 1, यहाँ 2 घटा 1 1 आ गया, और 2 जमा 1 3, 3 कम 3 हमारे पास इसका मान आ गया। तो बड़ी आसानी से ये दूसरे भाग के 4 प्रश्न निकल गए हैं, आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।